नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कीता सक्सेना। पहला पेश ने चुनवी खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने सूबा सरकारां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम 31 जुलाई तक लागू करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने सूबा सरकारां नूं मौजूदा कोरोना काल दौरान मजदूरां लई खाना तैयार करके देण ते सुक्का राशन मुहैया कराउण नूं जारी रखण लई भी कहा। संसद का मानसून इजलास 19 जुलाई तो शुरू होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिन जम्मू एयरबेस से हुए धमाकों की जांच का काम कौमी जांच एजेंसी NIA को सौंपा। पंजाब के पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने आज गुरदासपुर विच BSF और सरहदी जिलों के पुलिस मुखियों नाल मीटिंग दौरान ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर बेहतर तालमेल पर जोर दिया। भारत में कोरोना मामलों में कमी का रुझान जारी। बीते दिन 37,566 नवे कोरोना मामले दर्ज। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 96.9% पहुंची। देश में हुण तक 32,90,29,510 लोगों के कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कोविड पाबंदियां 10 जुलाई तक वधाउण दे हुकम। पंजाब विच बार पब अते अहाते 50% समर्थन नाल खोलण दी इजाजत। चंडीगढ़ विच उच्च पदरी कोविड समीख्या दौरान मुख्यमंत्री ने हुनर विकास केंद्रां ते यूनिवर्सिटियां नूं खोलण दे वी हुकम जारी कीते, बशर्ते विद्यार्थियों ते स्टाफ ते घट्टो घट्ट कोरोना वैक्सीन का एक टीका लग्या होवे। मुख्यमंत्री ने पटियाला विच जीनोम सिक्वेंसिंग लैब नूं जुलाई तक चालू करन लई काम विच तेजी लियाउण दे निर्देश दिते। ICC ने T20 विश्व कप टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात ते ओमान विच करवाउण दा ऐलान कीता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने सूबा सरकारां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम 31 जुलाई तक लागू करन दे निर्देश दिते ने। जस्टिस अशोक भूषण ते जस्टिस MR शाह ते आधारित बेंच ने कामयां नूं खुराक सुरक्षा कैश ट्रांसफर ते अजिहे होर लाभ देण बारे इक पटीशन दी सुनवाई दौरान इह निर्देश दिते। कोरोना महामारी कारण लगाईआं गईआं पाबंदियां सदका मजदूर वर्ग सब तों वध प्रभावित होया। बेंच ने केंद्र सरकार नूं कहा कि वह प्रवासी मजदूरां ते गैर संगठित कामियां नूं रजिस्टर करन लई कौमी पोर्टल तैयार करे। सर्वोच्च अदालत ने सूबा सरकारां नूं मौजूदा कोरोना काल दौरान मजदूरां लई खाना तैयार करके देण अते सुक्का राशन मुहैया कराउण नूं जारी रखण लई वी कहा। इस तों पहलां इस महीने केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत नूं दस्सिया सी कि देश विच आसाम छत्तीसगढ़ दिल्ली अते पछमी बंगाल नूं छड्ड के 32 सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां विच कौमी खुराक सुरक्षा कानून तहत आउंदी 86% आबादी नूं दसंबर 2020 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम तहत लियांदा गया। संसद दा मानसून इजलास 19 जुलाई तो शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार संसद दा मानसून इजलास 19 जुलाई तो 13 अगस्त तक चल सकता है। जिक्रयोग है कि पार्लियामानी मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने 19 जुलाई तो 13 अगस्त तक मानसून इजलास सदे जाने की मांग की थी। दसिया जा रहा है कि इस मानसून इजलास दौरान भी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अज बीते दिन जम्मू एयरबेस से हुए धमाकों की जांच का काम कौमी जांच एजेंसी NIA को सौंप दिता है। NIA वालों इस संबंधी मुड़ मामला दर्ज करके अधिकारित तौर पर जांच का काम अपने हाथ दे विच लिया जाएगा। इस तो पहला NSG और NIA एजेंसियां सांझे तौर पर इस मामले की जांच कर रही सन। जम्मू पुलिस वालों अतवाद दोषों तहत इस मामले संबंधी FIR दर्ज की गई सी। SP राकेश बलवाल दी अगवाई विच NIA दे एक टीम जम्मू एयरबेस दी तकनीकी खेतर विच पहुंची सी अते उस वल्लों अपने दिल्ली स्थित हैडक्वार्टर नूं शुरुआती रिपोर्ट भेजी गई सी। जिक्रयोग है कि बीते एतवार तड़कसार जम्मू एयरबेस दे तकनीकी खेतर विच 2 बंब धमाके होए सन, जिन्हां दे विच एयरफोर्स दे 2 मुलाजम मामूली तौर ते जख्मी होए सन। इन्हां धमाकियां कारण होर किसी तरह दा वी नुकसान नहीं होया। सबूत आधारित अते सरगर्म पुलिसिंग दी जरूरत ते जोर दिंदिया पंजाब दे DGP दिनकर गुप्ता ने BSF नूं पंजाब दीआं सरहदां ते ड्रोनां दीआं गतिविधियां दा मुकाबला करन लई पूरे समर्थन दा भरोसा दित्ता है। DGP ने गुरदासपुर विखे BSF अते गुरदासपुर ते पठानकोट जिलिआं विच तैनात पंजाब पुलिस दे सीनियर अधिकारियां नाल उच्च पदरी मीटिंग कीती। इस मीटिंग विच ADGP अंदरूनी सुरक्षा RN टोके, IG बार्डर रेंज दे SPS परमार अते DIG BSF प्रभाकर जोशी समेत सीमा सुरक्षा बल दे 8 कमांडेंट्स भी शामिल सन। BSF अते पंजाब पुलिस दरमियान होर बेहतर तालमेल अते सहयोग की गल करदिआं DGP दिनकर गुप्ता ने कहा कि इस समय पंजाब पुलिस अते BSF नूं एक टीम वजो काम करना चाहिए है। उन्हां BSF अधिकारियों नूं शक्की व्यक्तियों दीआं गतिविधियां दे सैक्टर वाइज पंजाब पुलिस नाल सांझा करन ते जोर दिता तां जो इन्हां ते तिखी नज़र रखी जा
जा सके। डीजीपी ने गुरदासपुर पटाला ते पठानकोट जिले के पुलिस मुखिया नूं हदायत की कि सरहदी पिंडां दी सूची बनाई जावे ते हर पिंड विच पुलिस जनता ते गैर सरकारी संगठन दे सहयोग नाल इक मजबूत खुफिया नैटवर्क विकसित किया जाए। जम्मू कश्मीर की गर्मी की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों नाल हुए एक मुकाबले में लश्करे तैयबा का एक चोटी का कमांडर एक पाकिस्तानी अतवादी मारिया गया। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने आज श्रीनगर में दसिया कि इस मुकाबले में सुरक्षा बलों के तीन जवान भी जख्मी हुए ने। उन्होंने दसिया कि मारे गए अतवादियों की पछाण लश्करे तैयबा के कमांडर अबरार उसके एक पाकिस्तानी साथी मुस्लिम वजो हुई है। श्रीनगर के मलूरा खेतर में हुए इस मुकाबले दौरान दो अतवादियों के मारे जाने एक वड्डी सफलता दसिया। आईजी विजय कुमार ने कहा कि यह अतवादी सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बना रहे सन। विजय कुमार ने दसिया कि पुलिस और सीआरपीएफ वालों श्रीनगर के बाहरवार पारिमपोरा विखे सांझे तौर पर नाका लगाया गया। नाके से एक गड्डी रोकया गया। इस गड्डी विच सवार अबरार पासों एक पिस्तौल ते ग्रेनेड बरामद हुए ने। पुलिस पूछगिछ लई इस व्यक्ति नूं थाने लै गई अते उस खिलाफ FIR दर्ज की गई। पूछगिछ दौरान लश्करे तैयबा के उच्च कमांडर अखवाए जांदे अबरार ने एक थां का खुलासा किया जिथे उसने हथियार लुकोए हुए सन। जब पुलिस इस अतवादी नूं लैके दसी हुई थां ते पहुंची तो उत्थे पहलों ही उसका एक होर साथी लुकया होया सी जिसने सुरक्षा बलों ते फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों वालों जवाबी फायरिंग में अबरार अते उसका अतवादी साथी दोवें ही मारे गए। भारत में कोरोना मामलों के कमी का रुझान जारी है। बीते दिन देश के 37,566 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए जिस मगरों कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की कुल गिनती बढ़ के 3,03,16,897 तक पहुंच गई है। इस समय दौरान कोरोना महामारी कारण 970 लोगों की मौत हुई। इस मगरों कोरोना कारण मरण वाले की कुल संख्या 3,97,637 हो गई है। सेहत मंत्रालय ने दसा कि इस समय भारत में 5,52,659 एक्टिव कोरोना मामले मौजूद ने जो कि कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.82% है। बीते 24 घंटे दौरान 56,994 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक देश दे विच 2,93,66,601 लोग कोरोना मुक्त ऐलाने गए ने। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 96.9% आ गई है। देश भर दे विच कोरोना तो बचाव के लिए टीकाकरण मुहिम तेजी नाल जारी है। हुण तक 32,90,29,510 लोगों के कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे की गल की जाए तो इस दौरान 52,76,457 लोगों का टीकाकरण किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले केस सामने आने चिंता प्रगट करदे कोविड पाबंदियां 10 जुलाई तक वधाने के हुक्म दिए ने। इस दे नाल ही 1 जुलाई तो सूबे में बार पब अते अहाते 50% समर्था के खोले जाने का भी ऐलान किया है। आज चंडीगढ़ में उच्च पदरी कोविड समीक्षा मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री वालों हुनर विकास केंद्र और यूनिवर्सिटियां खोलन के भी हुक्म जारी किए गए बशर्ते विद्यार्थियों के स्टाफ ने घट्टो घट करोना टीके की एक खुराक जरूर ली हो। पंजाब में आईलैट्स कोचिंग संस्थावां खोलन के पहलों ही हुक्म जारी किए गए सन। इन्हां विच भी विद्यार्थियों के स्टाफ के लिए घट्टो घट एक टीका लगन की शर्त रखी गई है। मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह मालकों की जिम्मेवारी होगी कि इन्हां थावां ते कोविड प्रोटोकॉल और शर्तों की पालना की जाए। मुख्यमंत्री ने पटियाला स्थित सरकारी मैडिकल कॉलेज के हस्पताल विखे स्थापित किए जाने वाले जीनोम सिक्वेंसिंग लैब के काम में तेजी लियाने भी निर्देश दिए ताजो इस जुलाई में चालू किया जा सके। संभावित तीजी करोना लहर की तैयारियों की समीक्षा करते मुख्यमंत्री ने सेहत और मैडिकल सिक्ख्या विभागों टैसटिंग वधाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना मुक्त पेंडू अभियान जोर शोर नाल जारी रखने की लोड़ ते जोर दिता। मुक्तसर जिले के पिंड पक्की टिब्बी अते चक उधम सिंह ने 100% टीकाकरण का टीचा हासिल किया है। मुक्तसर साहब के डिप्टी कमिश्नर MK अरविंद कुमार ने पक्की टिब्बी पिंड दियां दोवें पंचायतों के सरपंच वीना राणी और सरपंच मुख्तियार कौर तो इलावा सेहत विभाग की टीम एक समागम दौरान सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जगदीप चावला और डॉक्टर इकबाल सिंह की प्रेरणा सदका सेहत विभाग की टीम ने यह टीचा हासिल करने में सफलता पाई। उन्होंने इस काम लई होर सेहत कामियों की भी शलाघा की। मुक्तसर साहब विचे मलोट कॉन्स्टिट्यूएंसी लई मानयोग डिप्टी स्पीकर वालों 5 लाख दा ग्रांट अनाउंस किया है। किस पिंड ने और शहर एरिया विच वार्ड ने 100% टीचा कंप्लीट कर लिया अगले एक हफ्ते विच उन्होंने 5 लाख डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो जारी करनगे। इस करके मेरा बेनती है सारे ग्राम पंचायत नू वार्ड नू सारे इसका फायदा उठाने लिए जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेट करन। अज मुक्तसर जिला विच 2 ग्राम पंचायत पक्की टिब्बी
उसके साथ में इकट्ठानी ग्राम पंचायत छक उधम सिंह दोनों 100% पापुलेशन एलिजिबल पापुलेशन नू वैक्सीनेशन कर चुका है। इन्हां नू अजे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम में पंचायत नू हेल्थ टीम नू बाकी किन्नी ए वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होई सी सारे नू असी सम्मानित किया है, बहुत वधिया काम किया है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2670 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ 890, ਅਬਵ 45 ਪਲੱਸ 748 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਅੰਕਿਤਾ, ਕੋਮਲਿਕਾ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਨੂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤਨੂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮਿਕਸ ਡਬਲਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਡਬਲਸ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਡਬਲਸ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2021 ਹੁਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ICC ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ICC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ CEO ਜੈਫ ਐਲਾਰਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ICC BCCI ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ੇਖ ਜਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂਧਾਬੀ ਸ਼ਾਰਜਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮੇਤ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 37,566 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 96.9% ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,90,29,510 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਮ ਸਿਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ICC ने T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।